अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग आपको यही सलाह देते होंगे कि आपको अचार चटनी नहीं खानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर चटनियों में नमक ज्यादा होता है, चीनी और तेल भी होता है, जिससे वजन बढ़ सकता है। तो जानते हैं एक ऐसी हरी चटनी जो न सिर्फ वजन घटाने में मदद करेगी बल्कि उसके साथ साथ आपको देगी ढेर सारा न्यूट्रिशन, क्योंकि इसे हम बनाएंगे 5 तरह के हरे पत्तों के साथ। आप धनिया और पुदीने की हरी चटनी अक्सर बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हरी चटनी में सिर्फ 3 तरह के हरे पत्ते और डालने से इसके फायदों को दुगना किया जा सकता है? तो जानते हैं, सबसे पहले लें पुदीना। ताजा हरा पुदीना ले लें और इसके पत्ते निकालकर अलग कर लें। स्वाद और खुशबू के साथ साथ ये पुदीना हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है और हमारे पेट के मसल्स को रिलैक्स करता है। ये पेट को अफारे से बचाता है और पेट की सभी बीमारियों को दूर रखता है। दूसरी चीज लें धनिया के पत्ते। इसकी जड़ें काटकर फेंक दें, लेकिन इसके स्टेम को ना फेंकें। पत्तों के साथ साथ इसके स्टेम यानी नरम तने में भी खुशबू और स्वाद होता है। धनिया हमारी बॉडी में बहुत ही तेजी से फैट को कम कर सकता है। अगर आप फ्रेश धनिया कच्चा ही खाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आपका शुगर लेवल भी कम कर सकता है। इसमें फाइबर और विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए इसे हर रोज किसी ना किसी रूप में खाना भी चाहिए। तीसरी चीज लें तुलसी के पत्ते। तुलसी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सदियों से कितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल होती आ रही है। ये बुखार भी ठीक कर सकती है और स्ट्रेस से भी हमें राहत देती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और ढेरों ऐसे फायदे जिसकी वजह से इसे भी हर रोज खाने की सलाह दी जाती है। चौथी चीज लेनी है हमें करी पत्ता। ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आपकी बॉडी में जो फैट इकट्ठा हो चुका है उससे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप हर रोज 5 से 7 करी पत्ते कच्चे ही खा लेते हैं। करी पत्ते हमारे स्किन और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, इसलिए इन्हें भी हमें रोज खाना चाहिए। इसके बारे में एक पूरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। आखिर में पांचवी चीज लेनी है मूली के पत्ते। इन्हें अक्सर फेंक दिया जाता है, लेकिन इन पत्तों में भी बहुत ही जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। मूली के पत्तों में मूली से कहीं ज्यादा फाइबर होता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। इन पत्तों को रोजाना खाने से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और ये हमें डायबिटीज से भी बचा कर रखते हैं। तो जैसे कि आपने जाना कि ये सभी पत्ते हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं, ये पत्ते हर रोज किसी ना किसी तरह से हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए और कच्चा खाने से इनके फायदे दोगुने हो जाते हैं, और इसलिए इन्हें चटनी के फॉर्म में खाना सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है। ये पत्ते आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। आप अपने घर में भी इनके पौधे लगा सकते हैं और हर रोज ताजे पत्तों का फायदा ले सकते हैं। अगर आपके शहर में सभी तरह के पत्ते ना भी हों तो भी कोई बात नहीं, जो भी हरे पत्ते आपको मिल सके आप उनके साथ ये हरी चटनी बना सकते हैं। लेकिन जितने ज्यादा तरह के पत्ते होंगे उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। अब इन पत्तों के साथ आपको लेना है 6 से 8 लहसुन की कलियां और इन्हें थोड़ा बारीक काट लें, 1 कटा हुआ अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 नींबू, 1 चम्मच जीरा, इसके साथ ही इसमें डालने के लिए नमक और पानी। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर या किसी ब्लेंडिंग जार में पीस लें। आपको इसमें बड़ी कटोरी के हिसाब से पुदीना और धनिया के पत्ते लेने हैं और छोटी कटोरी के हिसाब से तुलसी, मूली के पत्ते और करी पत्ता लेना है। इन सभी पत्तों को अच्छे से धो लें। अब हरी चटनी बनाने के लिए चॉपर या मिक्सर ग्राइंडर में नींबू को छोड़ के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दें और हाई स्पीड पर ब्लेंड करें। अगर आपको जरूरत लगे तो ही पानी ऐड करें, साथ ही इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालें। अगर आपके पास सेंधा नमक ना हो तो आप काला नमक भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1-2 चम्मच पानी डालकर एक बार फिर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब इस चटनी को एक कांच के या सेरेमिक के बर्तन में निकाल लें और फिर इसमें डालें नींबू का रस और हमारी हरी चटनी तैयार है। इसे रोटी, चावल, सैंडविच, स्नैक्स के साथ एंजॉय करें और अपने वजन कम करने की जर्नी को फास्ट बनाएं। इसे आप 1 हफ्ते तक
फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू।